हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की, और माता रानी आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, आनंद लाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है हमारे घर पर श्राद्ध, तो मैं उसी की श्राद्ध का भोजन बना रही हूँ। तो बस मैं सबसे पहले नहाकर और मैंने किचन को क्लीन कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा है। तो कोई भी मतलब पूजा का हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी किचन को क्लीन कर लेना चाहिए और गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फिर हमें खाना बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक साथ मैंने कई कई काम कर रही हूँ जिससे मेरा झटपट काम हो जाए और मेरे थोड़े टाइम की भी बचत हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने खीर भी रख दी है बनने के लिए और इधर मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ, और एक सब्ज़ी मेरी मोस्टली बन के हो गई है तैयार। तो देखिए इधर दाल मखनी मैं बना रही हूँ तो ये भी मेरी डन हो गई है, और इधर मैंने लगा लिया है आटा। देखिए बस आटा भी मेरा लग के हो गया है रेडी, इसको मैं थोड़ी सी देर के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सॉफ्ट डो हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट श्राद्ध में पत्ते वगैरह निकाले थे इसी तरह, जैसे 16 पत्ते निकालने होते हैं, तो मैंने बाहर रखे तो वो यहाँ पर किसी भी तरह के कोए वगैरह नहीं आए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार इस तरह से पूजन ना करके मैं अग्निदेव को ही भोग लगा दूंगी, और उसके बाद फिर जो मेरी बेटियाँ हैं वो उसको प्रसाद के तौर पर खा लेंगी। क्योंकि इससे अच्छा है कि अगर हम बाहर रख रहे हैं वो बेकार ही जा रहा है, तो इससे जब हमारा भोग का है और भगवान जी को हमने समर्पित कर दिया तो उसके बाद फिर हम अपने घर में भी उस प्रसाद को खा सकते हैं। और ना यहाँ पे गाय है, ना यहाँ पे कोई कुत्ता है, और मैं अगर सोचूं कि मैं किसी पेड़ के नीचे रख कर आ जाऊँ चींटियाँ वगैरह खा जाएंगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को चींटियाँ भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से यहाँ पे पूजन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बनके हो गया है रेडी, बस पूड़ियाँ निकालनी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पूजा कराऊँ और बच्चों को रेडी कर दूँ, साथ में पूजा कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं पितृपक्ष का जो मैंने खाना बनाया है तो मैं खाने की प्लेट लगा लूँगी और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकालूंगी पूजा करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। अंधो को आँख दो, कोड़िन को काया, वाजन को पुत्री दो, निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत सब से, श्री गणेशाय नमो नमः। हमें आज के दिन वो खाना बनाना चाहिए जो हमारे पितरों को अच्छा लगता हो, जो उनको अधिक प्रिय हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो हमारे पितर को पसंद है खाना, जो उनको अच्छा लगता है, तो मैंने वही वही बनाया, हलवा बनाया है, खीर बनाया है, सब्जी बनाई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना बहुत छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ कि भोग भी लग जाए और उसके बाद फिर जो मेरी बेटी है वो उसको आराम से फिर भोग वाली पूड़ियों को खा ले। देखिए बहुत ही छोटी छोटी मैंने 16 पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ, और बहुत छोटी छोटी बनाऊँगी मैं 2 कचौड़ियाँ। तो इस तरह से फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार ऐसे कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे करा था तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि मैंने भाग रखा, फिर किसी भी तरह की कौआ या चिड़िया वगैरह आई नहीं। तो इस तरह से मैं इस बार करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं भोग की थाली तैयार करूँगी। पूड़ियाँ तो बन गई हैं, अब मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ। तो देखिए छोटी छोटी बनाऊंगी कचौड़ियाँ, जिससे कि जो भोग लगने के बाद फिर उनको बच्चे आराम से खा लें। अमावस्या के दिन खीर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आज के दिन हमें खीर जरूर बनानी चाहिए, और हमें पूड़ी वगैरह वगैरह भी बनानी चाहिए, और 16 पूड़ी हमें अपने पितरों के नाम की निकाल कर कौवे वगैरह को जरूर खिलानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौवे वगैरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं उनके नाम की निकाल कर अग्निदेव को भोग लगा के, और इस तरह से मैं फिर अपना आज का जो मेरा ये श्राद्ध है मैं इस तरह से उनका पूजन कर लूँगी। देखिए मेरी पूड़ियाँ भी बन के हो गई हैं तैयार, और इधर मैंने कचौड़ियाँ भी बना ली हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भोग की थाली तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हवन वगैरह कर लेंगे और दीपक जला के पूजा कर लेंगे। तो इधर मैंने देखिए इस तरह से प्लेट लगा ली है भोग की। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ना इस तरह से अचार, दही और खीर, हलवा और पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ इस तरह से लगा कर प्लेट लगाते हैं। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैंने प्लेट रख दी है, तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं इस तरह से हवन। श्राद्ध होते हैं ना, इन श्राद्ध में हमें 15 दिन हवन अवश्य करना चाहिए। तो हवन जो हम करते हैं, आहुति देते हैं, वो हमारे पितरों को, आत्मा को शांति देते हैं और हमारे घर में सुख शांति आती है। तो देखिए इस तरह से मेरे हस्बैंड ने हवन कर लिया है,
और ये हवन अब जो पूजा होती है ये पति करे या बेटा करे। तो ये देखिए हवन करने के बाद जो मैंने पूड़ियाँ बनाई है ना 16, उनमें से थोड़ा थोड़ा ये ले लेंगे इस तरह से, और जो जो भी मैंने बनाया सारा सब्जी पूड़ी खीर हलवा वगैरह सारा कुछ और पानी वगैरह सबका भोग लगाकर अचार से और इस तरह से ये अग्निदेव को भोग समर्पित कर देंगे। तो इससे क्या अब अग्निदेव को भोग भी लग जाएगा और जो मैंने 16 पूड़ियाँ निकाली हैं उनका भी भोग लग जाएगा। फ्रेंड्स ना तो यहाँ पे गाय मिलती हैं और ना ही यहाँ पे पंडित जी वगैरह आके घर पे खाना खाते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई श्राद्ध हो तो हमारे घर पे पंडित जी वगैरह खाना खाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमारे उत्पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना अपने फ्रेंड्स को ही अपने घर पे बुला लेती हूँ और वो लोग आकर खाना खा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे जो उत्पितर हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।